जुहार, नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर आना भी करोड़ों लोगों का सपना होता है। लोग सालों साल तक इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन चंद गिने चुने किस्मत वाले लोगों को ही यह मौका नसीब हो पाता है। केबीसी में आ भी गए तो कोई गारंटी नहीं कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलकर हॉट सीट पर आ ही जाएं। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उनके सवालों के जवाब देने का मौका आपको मिल ही जाए। लेकिन अगर एक ही सीजन में एक ही परिवार के दो लोगों को केबीसी में जाने का मौका मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे, चमत्कार ही ना। लेकिन केबीसी के इस 14वें सीजन में एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला है और ऐसा करने वाली जोड़ी अपने झारखंड की है। जी हाँ, झारखंड की और जमशेदपुर की। जमशेदपुर हम लोग तकनीकी रूप से कहते हैं, हालांकि यह आता है सरायकेला खरसावां जिले में और यह शहर बिल्कुल जमशेदपुर से सटा हुआ आदित्यपुर औद्योगिक शहर है। यहाँ सहारा गार्डन सिटी आदित्यपुर की रहने वाली अंकिता आशी कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन के 86वें एपिसोड में हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती नजर आएंगी। यह एपिसोड कल यानी 2 दिसंबर को प्रसारित होगा। अंकिता के पिता अनूप कुमार जाने माने आर्किटेक्ट हैं और दिलचस्प बात यह है कि अंकिता की माँ ज्योति सिन्हा भी सितंबर में इसी 14वें सीजन में केबीसी की प्रतिभागी बनकर गई थी। हालांकि वो हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कंटेस्टेंट वो बन गई थी। तो आइए जानते हैं कि अंकिता का सफर कैसा रहा और उनको केबीसी के सेट पर जाकर अमिताभ बच्चन से मिलकर और इस पूरे केबीसी का प्रोसेस का हिस्सा बनकर उन्हें कैसा लगा, तो आइए सीधे उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। अंकिता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप केबीसी से आ रही हैं। तो कैसा रहा ये सफर? ये सफर बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस वाइज काफी मजा आया, बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। मेरा तो मेन पर्पस यही था कि सीखने के लिए मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट किया था। और कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाला चीज जो होता है वही हुआ कि आपका केबीसी से कॉल आ गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर वहां पे जाके फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेले, तो उसमें भी मैंने जितने प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर में भी हुआ वो मतलब सही देके फिर हॉट सीट पे पहुंच गए। तो एक्सपीरियंस तो काफी बहुत अच्छा था। तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला कि आप हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठने जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट रहते हैं? तो मेरा बस इतना फोकस था कि मतलब बाकी सारे कंटेस्टेंट तो कॉम्पिटिटर्स ही थे मेरे, बट तब भी हम लोग सब कोई जितने 10 जन थे सभी साथ में मिलके अच्छे से खेले, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा और एक्सपीरियंस तो बहुत ही मजेदार था। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है कि मतलब इतने लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इस साल पहली बार ट्राई किया और मेरा हो गया। तो अच्छा। मतलब इससे एक चीज सीखने को बस यही मिलता है कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी और लगातार रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैंने इसे डेली खेला विदाउट मिसिंग एनी डे, कोई भी फंक्शन होता था, पार्टी होता था, लेकिन वो जो 9 से 11 का समय था वो मैं अपने फोन पे प्ले अलोंग जरूर खेलती थी, तो उसका वही फल मिला और केबीसी में पहुंच गए। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, अभी आप क्या करती हैं और आपकी सब? जी, अभी फिलहाल मैं हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा मुझे एक एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर ही, और उसके बाद फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ और उसी में आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ एजुकेशन लाइन में। तो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से? जी, मैंने स्कूलिंग तो पूरा जमशेदपुर से ही किया है, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिर मैंने एक बैंक में काम किया, फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम किया, लेकिन इस साल फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए उसके बाद फिर उसके प्रिपरेशन में मैं अभी पूरा तरीके से अभी उसमें ही हूँ।
तो आप कुछ अपना अनुभव वहाँ बताइए, वहाँ मतलब कंटेस्टेंट तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और फिर अमिताभ बच्चन खुद अपने आप में कैसी हस्ती हैं जिनके सामने बैठना ही एक बहुत रोमांचित कर देने वाला अनुभव है, तो थोड़ा सा उस बारे में हम लोगों को बता दीजिए आप कैसा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस तरीके का आप केबीसी कह सकते हैं, ये ऐसा एक तरीके का इवेंट है जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग मतलब रीजन से, और फिर हम लोग सब मिलते हैं एक जगह पे एक ही खेल को खेलने के लिए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस तो वही रहता है खेल का। फिर वहां पे जाने के बाद सबका बैकग्राउंड और वो सब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, तो वहां पे मिलने से एक ये भी लगता है कि हाँ कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो कि इस गेम के प्रति मतलब काफी ज्यादा सीरियस है, वो भी देखने को मिलता है। और फिर जब अमिताभ बच्चन से वो जब सेट में घुसते तब तो सेट का माहौल ही बिल्कुल और ज्यादा है, सेट का तो ऐसे ही माहौल काफी ऊंचा रहता है, काफी अच्छा रहता है, लेकिन उनके आने पे और चार चांद लग जाता है। फिर वो एनर्जी जो मिलती है उनसे जब वो स्टार्ट कर बोलते हैं कि आइए खेलते कौन बनेगा करोड़पति, तो वो एकदम ऐसे गूज बम्स रोंगटे खड़े हो जाने वाले एक्सपीरियंस होता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे जैसे वो प्रश्न पढ़ते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। तो ऑफ स्क्रीन कैसे हैं, मतलब एक तो ऑन स्क्रीन जी, हाँ हाँ जी, ऑफ स्क्रीन भी वो ऐसे ही बिल्कुल बात करते हैं। आप जब शो देखेंगे मेरा एपिसोड तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने काफी सारी बातें की, मतलब बहुत अच्छे से वो कॉन्वर्सेशन कैरी करते, बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो इतने बड़े मतलब इतने बड़े सदी के महानायक है जिसे उनको ये उपाधि दी गई है, लेकिन वो बिल्कुल उस तरीके का फील होने नहीं देते। काफी कंटेस्टेंट को अच्छे से फील कराते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं, ताकि वो अपना गेम पे भी ध्यान दे सके और अच्छे से खेले। वो एक होता है ना कि नर्वसनेस आ जाता है इतने बड़े सेलिब्रिटी सामने बैठे हुए, लेकिन वो पूरा मेक श्योर करते हैं कि सामने जो भी बैठा हुआ है कंटेस्टेंट उसको ऐसा फील ना हो, बहुत अच्छे से बातचीत करते, बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हैं वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी पर्सनालिटी उनका, मतलब आप उनसे बात करते ही चले जाएंगे। बहुत अच्छा उनका है। तो चलिए, तो आपकी मम्मी और आप दोनों एक ही सीजन में 2 महीने के अंतराल पर केबीसी के सेट पर घुमाई, मुझे लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट वहाँ के लोगों ने भी कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो रहा है, मतलब जनरली बहुत सा होता है कि एक फैमिली से एक ही जन जा पाते उसके बाद मौका नहीं मिलता है, कितने लोग सालों भर प्रयास करते हैं पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन इससे मैंने एक चीज, मैंने उन्हें भी एक ही चीज कहा कि और बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस साल जो मैंने खेलना स्टार्ट किया मैंने डेली खेला है लगातार, तो हो सकता है कि हम लोग दोनों ने लगातार खेला तो उसी का हुआ। तो केबीसी जो ट्राई कर रहे हैं या जो ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए आप दोनों माँ बेटी का क्या संदेश होगा? मेरा एक ही संदेश होगा कि आप लगातार कंटिन्यू करें। नहीं आ रहा है कॉल तो क्या हो गया? नहीं आ रहा तो ज्ञान तो मिल रहा है आपको, वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एकदम नुकसान। तो मैंने तो वही सोच के स्टार्ट किया था कि जितना ज्ञान मिले अच्छा और सिलेक्शन हो गया तो सोने पे सुहागा। तो अंकिता कल से तो आप सेलिब्रिटी बन जाएंगी इस इलाके के लिए, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और कल ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी हैंडसम एक राशि जीती होगी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि अंकिता का कैसा सफर रहा, उनका अनुभव कैसा रहा, और इस पूरे केबीसी के दौरान उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये हमने सुना। अंकिता को आप शुक्रवार को यानी 2 दिसंबर को केबीसी खेलते हुए सोनी लीव पर और सोनी टीवी पर देख सकते हैं, और उन्होंने कितनी राशि जीती है इसका खुलासा भी कल ही हो पाएगा, क्योंकि वो केबीसी के नियमों के अनुसार प्रसारण से पहले इसका खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, उनको ऐसी बंदिश है कि वो इसका खुलासा नहीं कर सकती हैं। आइए अब देखते हैं कि अंकिता की माँ ज्योति सिन्हा और उनके पिता अनूप कुमार क्या कहते हैं केबीसी के बारे में, और इसमें जानने क्या उन्होंने कैसे सोचा, कब से इसकी तैयारियां कर रही थी, और उन्हें इस पूरी केबीसी की जर्नी उन्हें कैसी लगी देखने से, और घर का क्या माहौल रहा, इन सब बातों के बारे में अंकिता की माता ज्योति सिन्हा जी जो खुद एक कंटेस्टेंट रही हैं और उनके पिता अनूप कुमार जी से जानते हैं, तो सुनते हैं। मतलब ये एक तरह का माना जाएगा कि पहले माँ गई फिर बेटी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हॉट सीट पे मैं नहीं गई लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी चीज को अच्छे मन से खेलते हैं तो वो जरूर आपको उस मुकाम पे पहुँचाते हैं।
अच्छा मतलब केबीसी में तो करोड़ों लोग कोशिश करते हैं कि एक बार हो जाए, लोग कई कई साल तक कोशिश करते हैं, नहीं होता है उनका। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये कि जब इस साल केबीसी 7 अगस्त से जब स्टार्ट हुई केबीसी तो मैं लगातार थी, एवरीडे मैंने प्ले अलोन खेला, एवरीडे पूरा क्वेश्चन आंसर, मुझे मतलब मजा आता था खेलने में। और साथ में मेरी बड़ी वाली डॉक्टर वो भी खेलती थी, उसका तबीयत भी खराब था और उसका बर्थडे था। हाँ, उस रोज भी खेली, उस रोज भी वो अपना केक काट रही है। पहला बार होगा कि वो अपना नॉर्मल मतलब कैजुअल ड्रेस में केक काट रही है और अपना एक प्ले अलोंग, लेकिन प्ले अलोंग खेल। तो कैसा कैसा अनुभव रहा अमिताभ बच्चन के सामने? बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा देखने से तो बहुत लग, अभी भी वो एकदम मतलब हैंडसम पर्सनैलिटी है पूरा और बहुत हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत है उनका, जैसा दिखते हैं वैसे ही वहाँ पे है। अच्छा। एकदम और एकदम ट्रीटमेंट भी वीआईपी है, पूरा ले जाना ले आना पूरा उन्हीं की घर मतलब केबीसी ही खर्च करते हैं, सोनी भी खर्च करते हैं पूरा। तो थोड़ा प्रोसेस बताइए ना, कैसे आप लोगों ने शुरू किया और कैसे वहाँ तक की जर्नी रही? मैंने तो 7 अगस्त से शुरू किया प्ले अलोंग खेलना जी। तो मैं खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक एक दिन कॉल आया तो मैं सोची फेक कॉल है, तो मैं बोली फेक है, तो उन्होंने कहा नहीं फेक नहीं है ये, तो मैं बोली कि मुझे लिंक फॉरवर्ड करेंगे तभी मैं अपना पूरा बायोडाटा दे सकूं आपको। तो उन्होंने लिंक फॉरवर्ड किया, उसके बाद हमारे साथ काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ, काफ़ी क्वेश्चन आंसर पूछा गया, मैंने उसका जवाब पूरा दिया अच्छे तरीके से कम 20 क्वेश्चन अराउंड पूछा गया, उसमें मेरा मतलब 18-19 सही था और लास्ट में एक मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने अंदाज में ही बोला तो वो भी सही था। तो वही उसके बाद फिर मैं वेट की कि आएगा आएगा, ठीक है नहीं आएगा, लेकिन फिर एक सप्ताह के बाद मुझे फिर कॉल फिर बोला गया कि आप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, हर टीम के लोग एकदम हमारे साथ जो ट्रैवल वाले हैं, फिर सभी मतलब उस जो वहाँ का टीम रहता है सब कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद टिकट जिस रोज आ गया तो मुझे लगा कि सही में मैं केबीसी जा रही हूँ। अच्छा। सही में मैं केबीसी। तो आप कितने दिन से केबीसी खेल रहे हैं? मैं इसी साल बहुत अच्छे तरीके से 7 अगस्त से जब केबीसी स्टार्ट हुआ था जी, उसी दिन से मैं खेल रही हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन एकदम कंटिन्यू लगातार मैंने खेला, मैं आज भी खेलती हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं केबीसी मतलब जाने के लिए खेला, मुझे इससे काफी ज्ञान मिलता है, मुझे पसंद है, मैं क्योंकि बचपन से मैं सब क्विज वगैरह में भाग लिया करती थी और मैं तो यही सेंट मेरिज की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो पूरा मुझे पसंद था और उस पार्टिकुलर टाइम में हम लोग पूरा फैमिली कोशिश करते हैं कि एक साथ और हम लोग का फैमिली टाइम हो जाता है, लेकिन ये लोग दोनों कंसिस्टेंट थे, हम उनका क्योंकि बहुत सारा ऑफिस से रिस्पांसिबल नहीं था तो हम लोग दोनों एकदम ही थे। तो जनमन की बात में आज इतना ही, तब तक देखिए मेरे और वीडियो को भी देखिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए। आज की बात बस अंकिता और को शुभकामनाओं के साथ, उनका सफ़र बहुत अच्छा रहा, कितनी राशि उन्होंने जीती वो हम लोग कल देखेंगे, उन्हें भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।